I first thank to All India Christian Federation and Mercy Madam, sir, to call me here. And today I will explain what is NRC, NPR, CAA, and about reservation also. Just now Krishna sir has spoken that what will happen if we boycott. I will explain that also. तो मैं आज आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं काफी खुश हूँ कि आप लोग भी CAA, NRC, NPR के लिए स्टैंड लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि NPR, NRC, CAA क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन है। सेकेंड चीज, ये NRC इसीलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान में घुसपैठी आए हैं, उनको फिल्टर करना है। ये ऐसी हो रहा है जैसा कि 1% ब्लैक मनी हिंदुस्तान में था और हम पूरे इसको सफर करे थे, एंड इट्स फेल। दूसरी चीज, हमको पहली चीज ये है कि NRC में, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब एक है लिखा हुआ है, सबके लिए एक ही कानून है। तो NRC में हमारे को इंक्लूड, मुस्लिम, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए मुस्लिम आई एम सेइंग दैट हमको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर NRC में हमारा नाम आता है और हम घुसपैठिए साबित होते हैं तो हमको बाहर निकाल देंगे। दूसरी चीज ये है, NRC है क्या? NRC ये है कि आप लोग आपके घर पे NPR के लिए 1 अप्रैल को आएंगे, 1 अप्रैल को आपके घर पे आएंगे, आके पूछेंगे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके फादर कहां पे पैदा हुए थे। मेनी आर रिवर्टेड क्रिश्चियंस, नाउ ही इज हैविंग द नेम ऑफ अल्बर्ट, ऑन दैट टाइम सम रेड्डी राव, वॉट एवर इट मे बी, तो वो मैच नहीं होगा। दूसरी चीज, आपके फादर कहां पे पैदा हुए थे आपको पूछेंगे, आपके ग्रैंडफादर कहां पे पैदा हुए थे। ये NPR होता है सेंसस, ये गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट को भी नहीं बताते NPR, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है। उसके बाद आपसे तमाम डिटेल ले लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस पूछेंगे आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, व्हाट एवर यू आर हैविंग, गवर्नमेंट प्रूफ, पासपोर्ट, ये सब ले लेंगे, लेके आपके पास से चले जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे कि चलो भाई हमारा MRO ऑफिस में सबमिट हो गया। जैसा साहब बोले कि अगर हम रजिस्टर्ड नहीं कराए तो क्या होगा, MRO ऑफिस में चले जाएंगे, MRO ऑफिस में आपकी फाइल रखे हुए रहेंगी। वहां पे हस्बैंड, वाइफ, तीन बच्चे अगर अपना NPR अपने घर पे आके करवा रहे हैं तो वहां पे वाइफ का नाम पे डी लिख देंगे। डी फिन मीन्स डाउटफुल सिटीजन। इट वॉज ऑलरेडी हैपन इन हैदराबाद, 127 पीपल गॉट द नोटिसेस। डी मीन्स डाउटफुल। एक जगह पे बेटी के नाम पे डी लिख देंगे, एक जगह पे बाप के नाम पे डी लिख देंगे, तो वापस आपको नोटिस आएगी। सेकेंड स्टेप, आपको नोटिस आएगी, नोटिस में ये लिखा हुआ रहेगा प्रूफ योर सिटीजनशिप। ना आधार कार्ड मान रहे आप, ना आप ड्राइविंग लाइसेंस मान रहे, ना आप वोटर आईडी कार्ड मान रहे जिससे आपको हम सिलेक्ट करके लाए हुकूमत में, आप कोई चीज नहीं मान रहे। पूरी दुनिया में अगर सब इंडियन है तो कैसा मानेंगे, पासपोर्ट, हमारा पासपोर्ट भी वैलिड नहीं है। हमारे इंडिया में हमारा पासपोर्ट वैलिड नहीं रहेगा एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आई एम क्लियरिंग यू। तो आप पे डी जब आ जाएगा तो आप डाउटफुल सिटीजन हो जाएंगे, आपका NRC के थ्रू आपको वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट भी रहेगा वो फॉरेन ट्रिब्यूनल। फॉरेन ट्रिब्यूनल में आप खुद अपने हिंदुस्तान के रहके ये केस लड़ना रहेगा। अब आप जब केस लड़ेंगे, अगर आप केस हार जाएंगे, आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे अपनी सिटीजनशिप, तो आप जाएंगे डिटेंशन कैंप। बिफोर डिटेंशन कैंप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये सब रहेंगे। फिर इनके लिए एक एप यूज होगा, वो रहेगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें से हिंदू रहेंगे उनको उठाएंगे, बोलेंगे क्या नाम है आपका, लक्ष्मण, आप पहले ये बोलो कि आप, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, आप केस हार गए NRC में, आप अब आप या अफगानिस्तान से आए बल्कि कबूल करो, या पाकिस्तान से आए, या बांग्लादेश से आए, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री, आप शरणार्थी है। जब तक वो इन रिटर्न लिख के नहीं देंगे कि मैं घुसपैठिया हूं और मेरे को CAA के थ्रू ले लो, तब उनको ले लेंगे, बीइंग ए हिंदू उनको ले लेंगे, क्योंकि इनके CAA के एक्ट में इनको लेना है।
और इनके बाप दादा यहाँ पे फ्रीडम फाइटर रहो, वट एवर कुछ भी रहो, चीफ मिनिस्टर थे होंगे, लेकिन ये जब इन्होंने एनआरसी में फेल हो गए तो इनको आउटसाइडर के नाम पे वापस आना है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि आप आउटसाइडर के नाम पे हिंदुस्तानी में फिर से शहरी लें? उसके बाद इनके जो राइट्स रहेंगे रिजर्वेशंस, इनका रिजर्वेशन सब खत्म हो जाएगा, ना इन्हें एससी रहेंगे, एसटी रहेंगे, ना बीसी रहेंगे, आई एम क्लियरिंग यू, कुछ नहीं रहेंगे। बीइंग ए हिंदू इनको वापस देंगे, बीइंग ए क्रिश्चियन इनको वापस देंगे, बीइंग ए दलित इनको वापस लेंगे, लेकिन सबको यह बोलना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। और ये जो एक्ट हम जैसा साहब बोले कि हमको इंक्वायरी देना चाहिए, अगर वाकई इट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बैठता है ये एक्ट, तो इसको हम बिल्कुल साथ देते थे, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमारे को ये करना है कि पहले मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियंस, फिर